दोस्तों, मेरा नाम है अयन। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स जानकारी पे एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से होने वाली सिविल जज की रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, इसमें 74 वैकेंसीज है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा, तो देखती रहिएगा इस वीडियो को आकर तक। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से लाल बटन को ऑन करके सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन मिलते रहे हर दिन। तो दोस्तों, बिना देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल जज पोस्ट के लिए 74 वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका LLB और LLM चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों, आपका एज लिमिट रखी गई है 21 से लेकर 25 साल की अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। वही बात करी जाए दोस्तों, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 21 से लेकर 30 साल की। तो वही और दोस्तों, सिलेक्शन की बात करी जाए तो प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम और इंटरव्यू के तहत आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। दोस्तों, सैलरी की बात करी जाए तो दोस्तों 27,700 रुपीज़ से लेकर 44,700 रुपीज़ पर मंथ आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, ऑप्शन नोटिफिकेशन की PDF अप्लाई करने का वक्त आपको कुछ भी डाउट होता तो नीचे कमेंट में हमें बता दीजिएगा। एप्लीकेशन की फ़ीस है दोस्तों अनरिजर्व जनरल OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 374 रुपीज़ है। वही बात करी जाए रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 274 रुपीज़ है। जी, आपका लोकेशन है महाराष्ट्र, यानी कि आपको महाराष्ट्र में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नौकरी लग सकती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करी जाए तो 3 जनवरी 2020 से लेके 23 जनवरी 2020 के बीच में आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। 23 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट को अच्छे से याद रख लीजिएगा, इस डेट को कभी भी मिस ना कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लिया दोस्तों, अभी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं www.mpsc.gov.in। तो दोस्तों, एक बार आपको ऑप्शन नोटिफिकेशन की PDF दिखा देता हूँ, ताकि आपको हो सके सही में रिक्रूटमेंट हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दोस्तों बढ़िया नोटिफिकेशन निकली है दोस्तों LLB और LLM स्टूडेंट्स के लिए। अच्छी बात है दोस्तों, इसमें बहुत 71 वैकेंसी डिसेंट वैकेंसीज निकली है दोस्तों 74। तो दोस्तों, आई होप आपको यह नोटिफिकेशन की वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों मेरा काम आपको पसंद आ रहा है हो तो दोस्तों, ऐसे ही आप रोज गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन के वीडियोज़ देखना पसंद करते हो तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।